और टिकट होल्डर होने के बावजूद भी आपको अपने हल्के में कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? हम क्या समझे ये पार्टी की नाइंसाफी है, ये आपकी अदम दिलचस्पी है। इसके बावजूद भी आपके अंदर अपनी पार्टी के अंदर भी देखा कि आपका तंत्र इतना होता है, ये क्या मतलब किया है? पाकिस्तान की इस पार्टी आपको अब तक क्या दिया जमीन साहब को, या सिर्फ इस्तेमाल किया? ये बात जो करना चाह रहा हूँ ना, वो पॉइंट की बात है ना, आपको पता है कि औरंगी टाउन में पाकिस्तान की इस पार्टी के तकरीबन ग्रुप बन चुका है, ये आपस की इख्तलाफात है या कुछ और वजह? अस्सलामुअलैकुम नाज़िम, आपका मेज़बान आयान अख्तर, आप देख रहे हैं गपशप ऑफिशियल टीवी। जी नाज़िम, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो औरंगी की जान है और एक बहुत बड़ा नाम है। पीस पार्टी के जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद है, उनका नाम जमील डैरी है। तो आप उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या किया औरंगी वालों के लिए जमील भाई के नाम भी इतना बड़ा बन गया, या आपने इस नाम पे कुछ ऐड किया? अस्सलाम वालेकुम। जमील भाई, पहली बात तो आपको वेलकम करते हैं अपने इंटरव्यूज में। तो मुझे ये बताया, आपका इतना बड़ा नाम है हाजी मोहम्मद जमील जिया उर्फ डैरी, ये आपने कुछ ऐड किया है या लोगों ने कर दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयान साहब, आपका बहुत शुक्रिया गपशप शो की तरफ से, आप ये दूसरी बार मेरे पास आए हैं। और जमील जिया जो नाम है मेरा, ये वालदैन ने जो रखा था मेरे, और डायरी जो लकब जो लग गया वो कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज में था, हाथ में डायरी होता था तो वो डायरी लग गया, जमील डायरी हो गया। और मेरी पैदाइश औरंगी टाउन की है, और औरंगी टाउन के जो हमारे गरीब तबका है, औरंगी टाउन जो हमारा गरीब इलाकों का, यानी कि समझ आए पसमानदा इलाका है, यहाँ पर जो है छोटे से मैं बड़ा हो गया हूँ। यहाँ पर आज तक जो है औरंगी पे जो है किसी जमात ने तवज्जो नहीं दिया। मैं वाहिद पीस पार्टी में जो है समझ जाए कि 32 साल हो गया है, तो मैं इस वक्त में जो है मैं देखते हुए जो है दूसरी जमातों को ये काम नहीं किया है। और वाहिद जो पीस पार्टी जो जिसमें हमारे साबिक वफाकी मिनिस्टर थे मरहूम आफाक अंसारी साहब, उन्होंने करवाया, हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आई वो उन्होंने करवाया, तो मैं भी जो है अपने लोगों के लिए, अपने औरंगी आवाम के लिए जो मसाले वो काम कर रहा था, इसी वजह से जमील डायरी एक नाम बन गया है। जमील भाई, पाकिस्तान पीस पार्टी बिलखसूस औरंगी टाउन में जो ये आवाम में मकबूलियत पा रही है पार्टी, इसकी वजह पाकिस्तान पीस पार्टी है या सिर्फ जमील डायरी है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर नाम किसी के साथ ऐड नहीं है तो समझ जाए उसकी कोई पहचान नहीं है, जमील डायरी की कोई हैसियत नहीं है। असल में ये हमारी जो पार्टी है इसकी पहचान है ये, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जमात है और ये शहीदों की जमात है, और हमारे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अजी फरियाल साहिबा, जिस तरह पीपल्स पार्टी को अभी हमारे लेकर चल रहे हैं, तो ये समझ जाए पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है। और पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, क्या जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आवाम के लिए दुख दर्द रखती थी, उसी तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रखते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म होंगे मुल्क के। अभी जमील भाई, हम ये देख रहे हैं कि औरंगी टाउन में NA 241 में आपने इलेक्शन लड़ा, और टिकट होल्डर होने के बावजूद भी आपको अपने हल्के में कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? हम क्या समझे ये पार्टी की नाइंसाफी है, ये आपकी अदम दिलचस्पी है अपनी? नहीं देखे, ये बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जो है मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मैं पीपल्स पार्टी औरंगी टाउन का मुसलसल जो है 11-12 साल से जो प्रेसिडेंट चलता हुआ आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद पार्टी के लिए करता हूँ, पार्टी के जो हमारे कायदीन है हमारे तंजीमी तौर पे उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, चाहे वो हमें इस्लामाबाद जाना हो, चाहे वो हमें लॉन्ग मार्च में जाना हो, चाहे वो हमें
योम तासीस पे पिशावर जाना पड़े, चाहे हमें गिलगित बलिस्तान जाना पड़े, तो मैं यहाँ से औरंगी टोन से जो है कराची के 42 सिटी एरिया में से YPS 95 जो सिटी एरिया है हमारा, सबसे बड़ा रैली, सबसे बड़ा जुलूस हम लेकर जाते हैं। और हम दिल लगा के हमारे जो काबीना है, हमारे जो वर्कर हैं यहाँ के औरंगी टोन के, मेहनत करते हैं। और वो कायदीन को पता है कि YPS 95 के जो प्रेजिडेंट और तंजीम है, वो जो हर जगह पे कहीं पर भी पहुंचना हो वो जाले पहुंचे। हम देख रहे होते हैं एजुकेशन बहुत हमारी औरंगी टाउन में पीछे है ना, तो एजुकेशन के हवाले से सिंध गवर्नमेंट से आप मुतालबा किया कि औरंगी टाउन में कॉलेज में इजाफा किया जाए, आपने कभी मुतालबा किया सिंध गवर्नमेंट में? देखिए, आज तक जो औरंगी टाउन में जो कॉलेज जो बने वो आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही बना है। दूसरी जो सियासी जमात जो 30-40 सालों से जो औरंगी टाउन में जो यहाँ पर जो बरसर इक्तदार रहे, उन्होंने कोई कॉलेज वगैरह नहीं बनाया। मरहूम हमारे आफाक खान शाहिद साहब ने जो है ये कॉलेज जो है ये 12 नंबर के कॉलेज जो ये बनाए, ये कतर मोड़ पर जो है कॉलेज ये बनाए। तो इसी तरह जो है पीयूसआरटी की तरफ से जो जो भी हमारे तरफ से जो हमारे सबका जो मरहूम का कायदीन हमारे हरदिल अजीज आफाक खान शाहिद जो गुजरे हैं, उन्होंने किया है। और मैंने भी जो है अपनी तरफ से लिख के दिया कि कम अज कम जो है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम का एक यूनिवर्सिटी औरंगी टाउन आवाम के लिए हो। अच्छा जमील भाई, हम ये भी देख रहे हैं कि औरंगी टाउन में आपने पानी का मसला हल करवाया और इसी तरह सैंडविच का ही मसला हल करवाया, और हम ये भी देख रहे हैं कि औरंगी टाउन में ऐसे भी जगह मौजूद है लोग जहाँ परेशान है और पानी से महरूम है, आपका क्या अमली इकदाम है अभी तक? ये मुख्तसर सा थोड़ा सा काम हुआ है मेरा औरंगी टाउन के आवाम के लिए, मेरा आखिरी सांस तक जो है मैं ये लड़ता रहूंगा ये केस औरंगी के आवाम के लिए, कि जो औरंगी के आवाम के साथ जो 30 सालों में नासुलूकी हुआ है, यानी कि आवाम को जो पानी जैसी नेमत से जो महरूम किया गया है, तो मेरा मकसद ये है कि जो सेवरेज का आप ये देख रहे हैं, आप सादकाबाद, गाजियाबाद, मंसूर नगर, ये लाल शहबाद नगर, रही समरे, ये सब जगह पे जो है समझ जाए कि बहुत बुरा हाल है वहाँ का, आज तक सेवरेज का लाइन ही नहीं डला है। हालांकि MNA, MPA चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन इन लोगों के होते हुए, दूसरे मुखालिफ सियासी जमात जो MPA में उनके होते हुए, लेकिन औरंगी के आवाम के लिए कुछ नहीं किया है। हम तो ये ज़रा बराबर अभी काम जो है शुरू किए हैं और कर रहे हैं। शुरू से पीयूष पार्टी जो औरंगी के आवाम के लिए काम करता रहा, आज तक जो औरंगी में मेन ज़रूरियाती ज़िंदगी का जो है आप समझ जाइए जो पोल लगे हुए, बिजली है, गैस है, लीज है, और ये सब पीयूष पार्टी की तरफ से जो है हमारे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम में आफाक खान शाहिद ने कराया। और उसके बाद ये पानी का 1996 में 4 जुलाई को जो जर्मन पंप है मोहतरमा ने आके जो है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो पंप का इब्तदा किया। लेकिन सबका जो है इन लोगों ने जो है सियासी जमात जो MPM ने जो आवाम के वोट से आकर जो है आवाम को धोखा दिया, आवाम को जो महरूम कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। लेकिन दोबारा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपने आला क्यादत से रिक्वेस्ट करके वो जो ADP में अभी काम ला रहे हैं, और हम औरंगी में काम करेंगे और उस काम में सालों लगेंगे। जो 30 साल लग गए औरंगी को बर्बाद करने में, तो वो चंद दिन में नहीं होगा, तो इंशाल्लाह ताला हम ये पानी और सर्विस का मसला हल करेंगे। जैसे कि आप इतना सारा काम कर रहे हैं अपने एक छोटे से ओहदे में ना, तो इसके बावजूद भी आपके, मैंने अपने पार्टी के अंदर भी देखा कि आप तक तनकीद इतना होता है, ये क्या मसला किया है? अगर देखें जिनका नाम होता है ना, उनके ऊपर तनकीद अगर नहीं हो तो नाम ही नहीं होता, नाम ही नहीं बेहतरीन, ठीक है ना। मुझसे बेहतर आ सकता है, मुझसे नीचे हो सकता है, लेकिन जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो तो दूसरा नहीं हो सकता। आप जो है, जो आपके अंदर टैलेंट है वो दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है मुझे जो है, छोटा सा ओहदा नहीं है ये, सिटी एरिया के ओहदे के लिए जो है लोग जो है बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आगे पीछे दौड़ते कि मुझे मिल जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2013 में जो MPA का टिकट भी मिला पीपल्स पार्टी की तरफ से, 2018 में बड़ा बड़ा नाम था लेकिन उनको जो है NA का टिकट नहीं मिला, मुझे 251 का टिकट मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको अब तक क्या दिया जमील साहब को, या सिर्फ इस्तेमाल किया? ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे नवाजा है, मुझे अपना नाम दिया, मैं शहीदों की जमात का जो एक कारकुन हूँ, एक जियाला हूँ, मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जियाला हूँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो पूरा वर्ल्ड उनके शहादत पे जो है अफसोस का इजहार किया था कि वो जैसी अजीम लीडर नहीं थी, मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इतना बड़ा
साना होने के बाद 27 दिसंबर, ये दिसंबर का महीना भी है जिसमें हमारी 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद हुई थी, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पाकिस्तान को बचाया। हमारे को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है पाकिस्तान के खातिर अभी आप देखें ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाला। तो ये तो मैं उस जमात का कारकुन हूँ, जयाला हूँ कि मुझे खुद ही अपने ऊपर बहुत फख्र है कि मेरे साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम एड है। ये बात जो करना चाह रहा हूँ ना, वो पॉइंट की बात है ना, आपको भी पता है कि औरंगी टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन ग्रुप बन चुका है, ये आपस की इख्तलाफात है या कुछ और वजह है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ग्रुप नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स औरंगी टाउन में, औरंगी टाउन में, मैं औरंगी टाउन की बता रहा हूँ कि कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी निशान तीर है, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने क्यादत के साथ जो चल रहे हैं, वो जो है नजरिया जो पीपल्स पार्टी के चाहने वाले वो चल रहे हैं। अगर कोई ग्रुपिंग का कहता है कि ये ग्रुपिंग है उधर ग्रुपिंग है, वो पीपल्स पार्टी के जो है जयाले नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी भी देखा यौम तासीस पे मैं औरंगी टाउन से सबसे बड़ा काफिला जो है यहाँ से लेकर गया हूँ, जो हमारे यहाँ के औरंगी टाउन के अदारे हमारे एजेंसियाँ जो देखती हैं जो मुझसे रबते में होते हैं, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी अगर डिस्को मोड़ दफ्तर से हमारे शुरू हो रहा है तो वो औरंगी टाउन 5 नंबर तक जो है लाइन पे लाइन जो है लगा हुआ है। तो ग्रुप कोई नहीं है, चंद लोग अगर 2-4 लोग जो है वो बैठ कर सोच रहे हैं कि हम जो है कोई लीडर बन जाए, तो हमारे कायदीन का जो है नजर है, सही है कि कौन मेहनत पीपल्स पार्टी के लिए करता है और कौन ग्रुपिंग करता है। तो जो ग्रुपिंग करने का सोचते हैं वो जो है वो आपको साइड में ही नजर आएंगे। आने वाले वक्तों में आपको औरंगी का फ्यूचर क्या दिख रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी का फ्यूचर बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह जो है हमारे औरंगी टाउन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तरक्याती काम हो रहे हैं, हम पार्क भी बनवा रहे हैं, गलियां भी बनवा रहे हैं, रोड भी बनवा रहे हैं, तो मैदान भी आबाद करेंगे हम। आपको पता है कि हमारे औरंगी टाउन में जो खास बिलखसूस हमारे जो मेरे यूथ है जो औरंगी टाउन के नौजवान हैं, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा बाजू बनो, मेरा जीना मरना औरंगी टाउन के लिए, औरंगी टाउन के आवाम के लिए, औरंगी टाउन के नौजवानों के साथ हैं। तो औरंगी टाउन को जिस तरह जो है बदनाम किया गया, औरंगी टाउन का यानी के नक्शा जो है तब्दील किया गया, समझें कि यानी के खंडर बना दिया गया, हम अपने नौजवानों के साथ जो औरंगी टाउन का जो है फ्यूचर जो है बेहतर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा औरंगी टाउन पे जो है हम काम ज़्यादा लाएंगे, तरक्की करेंगे, औरंगी टाउन में स्कूल के मामला हो जाए, एजुकेशन के मामला हो जाए, मैदान के मामला, खेल कूद के मामला हो जाए, लाइब्रेरी के मामला हो जाए, जो भी है हम अपने औरंगी टाउन को फ्यूचर में जो है बिल्कुल चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही ख्वाहिश है कि हमारी जो चेयरमैन हमारे जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 5-6 दफ़ा औरंगी टाउन आई, वो खुद तशरीफ लाई थी, तो हमारे बिलावल साहब जो है हमारे चेयरमैन को जो है उनकी भी ख्वाहिश है कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बाजी है, इसको हम जो है बेहतर फ्यूचर में अच्छा जो शहरों में गुलशन इकबाल हो जाए, आप डिफेंस हो जाए, उस तरह जो है हम औरंगी टाउन बनाएंगे। अच्छा आप पन्नाकारी को देखिए इलेक्शन होने जा रहा है बल्दियाती इलेक्शन, क्या आप इलेक्शन लड़ने वाइस चेयरमैन का ना अपने वोटर को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं देखिए मैं जो है अगर 15 जनवरी को जो अभी ये लोकल बॉडी इलेक्शन होता है बल्दियाती इलेक्शन, तो ये पोस्टपोन हो गया इलेक्शन? नहीं देखें अभी तो जो है हमारी सिंगोर की तरफ से जो है खाने, लेकिन 15 जनवरी को जो है इंतखाबात करेंगे। इससे पहले 24 जुलाई में जो इलेक्शन होना था वो जो पोस्टपोन हुआ, वो उसमें भी हम पीपल्स पार्टी तैयार थे इलेक्शन करवाने में। 28 अगस्त का जो था उसमें भी हम तैयार थे, बिल्कुल जहनी तौर पर हमारे जहनी तौर पर बिल्कुल सारे हमारे जाले कारकुन तैयार थे कि हमारा जो इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। और अभी ये 15 जनवरी का जो है आपको पता है औरंगी में आप एज ए सोशल वर्कर आप जो है पूरे औरंगी में मूव करें और मूव करके आवाम का राय लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हर तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है आवाम कह रहे कि हम वोट देंगे, क्योंकि वो उनके जो मसाइल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला 15 जनवरी को हम विन करेंगे, पूरे औरंगी टाउन से जो भी हमारे नुमाइंदे हैं, जो भी हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर हैं, इंशाल्लाह वो वाजे अक्सरियत से जो है वो आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जरूर भाई, लास्ट में इस इंटरव्यू को लास्ट पे इख्तिताम करने के लिए कुछ लास्ट पे पैगाम देना चाहते हैं क्या? हमारे यूथ ना बहुत ज्यादा नशे में लग गए, आइस यूज कर रहे हैं, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये कहना चाहूंगा मैं आपको बताऊँ, मैं SSP फैसल बशीर मेमन साहब हैं वेस्ट के, अभी मैं उनसे जो है टाइम लेना ले रहा हूँ और उनसे मैं मीटिंग करूँगा कि अभी हमारे औरंगी टाउन में जो है आइस और गुटका
आंकड़ा ये सब जो है दोबारा बहुत ज्यादा उरूस पे जो है वो चल रहा है। ऑब्जेक्शन किया जाए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसको क्लीन किया जाए। ये जो है यानी कि समझ जाए कि अभी जो है ये 3-4 हफ्ते पहले से जो है ये बहुत ज्यादा जो है इकबाल मार्केट थाने के हदूद में, औरंगी टाउन थाने के हदूद में ये सब जो है ना बहुत ज्यादा औरंगी में है। तो ये जो है हमारे नौजवान हमारे यूथ को जो है बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। और जो SHO जो है हमारे औरंगी टाउन के, इकबाल मार्केट के, पाकिस्तान बाजार थाने के, मोमिनाबाद के, उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नौजवान नस्ल आइस और क्रीस और ये मंशियात और ये जो गुटका ये सब में जो तबाह हो रहे हैं इसके ऊपर जो है फौरी एक्शन करें। अगर ये एक्शन नहीं करेंगे तो ये हमारे नौजवान तबाह हो जाएंगे, हमारा जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के जो हमारे ये मेमार है हमारे यानी कि नौजवान जो पाकिस्तान को जो है के लिए रोशन यानी रोशन, हाँ वो समझ जाए कि ये बूझता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पे हमारे अदारे जो है एक्शन लें, वो किसी भी जमात से हो, कोई भी पार्टी से वास्ता रखता हो, अगर गलत पे है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे साथ मौजूद थे हाजी मोहम्मद जमील जिया और डायरी साहब। आज इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि औरंगी का जो मसाइल है काफी बढ़ते जा रही है और अभी बलदियाती इलेक्शन भी आने वाला है। उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह पीस पार्टी अगर जीतती है तो औरंगी में जैसे पूरे पाकिस्तान में काम करेगी वैसे औरंगी टाउन में भी काम करेगी। तो अपना मेजबान अयान अख्तर को इजाजत दिए, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।